रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन देसी फूड विद शबाना। आज हम बनाएंगे दाल मखनी। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं साबुत माश 1.5 कप, उसका तीसरा हिस्सा लाल राजमा यानी 1/2 कप। इन दोनों को मिक्स करके ओवरनाइट पहले भिगो लिया था मैंने। पूरी रात भिगोने के बाद इसको मैंने सुबह में उसी के पानी से अच्छी तरह हाथों से नरम हाथ से मल मल के धो लिया है, उसका पानी फेंक दिया था। हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। प्रेशर कुक करने के लिए मैंने दोनों दाल भी और राजमा भी दोनों को प्रेशर कुकर में डाला है। इसमें हमने पानी वो फेंक दिया है और हम अब फ्रेश पानी यूज़ करेंगे और अपने स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़े से ड्राई मेथी लीव्स ऐसे चुटकी बस, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1.5 मीडियम साइज टमाटो जिसे मैंने बारीक चॉप कर ली है। हम सारी चीज़ों को हम दाल के अंदर ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस, टमाटोज, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, वाटर, अब इसमें 2 ग्लास वाटर ऐड कर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें 2 ग्लास वाटर से और थोड़ा ऐड कर दिया है पानी, क्योंकि मुझे पानी कम लग रहा था। मैंने इसको इससे 2 इंचेस ज़्यादा रखा है दाल से ऊपर। और अब हम इसे 20 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट हाई फ्लेम और फिर मीडियम एंड हाई के बीच में हम इसे कुक करेंगे। जी व्यूवर्स, जब तक हमारी दाल रेडी हो रही है हम अपना भगार रेडी कर लेते हैं। भगार के लिए मैंने लिया है 1/3 कप ऑफ ऑयल, घी लिया मैंने, आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। ये लिया मैंने 1 टीस्पून जीरा, 2 पिंच हम इसमें हींग डाल देंगे, 2 कुछ लोग इसमें लहसुन का भंगार पसंद करते हैं, कुछ ओनियन का। मैं इसमें ज़ीरा और ओनियन डाल रही हूँ। हम इसे गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। जी व्यूवर्स, हमारा भगार रेडी है। जी व्यूवर्स, मैंने इसे 20 मिनट्स के बाद ओपन किया है। तकरीबन 8 से 10 विजल्स आ चुके हैं और हम अभी इसे ऐसे ही पकाएंगे और एक घोटने से इसको थोड़ा घोट लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ उसको घोटते के साथ साथ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। दाल मखनी है तो इसमें बटर तो जाएगा ही, हम इसमें ऐड करेंगे बटर। आप चाहें तो इसमें ऑयल कम कर सकते हैं अगर आप बटर ज़्यादा डाल रहे हैं। दाल तकरीबन रेडी है। अगर आप इसमें पानी ऐड करना चाहें, इसको पतला करना चाहें, जैसे कि मैंने इसमें 1/2 कप वाटर ऐड किया है। अब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर देंगे। मैं इसको इसमें मिक्स भी इसके लो फ्लेम पर ही कर रही हूँ। अब इसमें हम अपना भगार रेडी कर डाल देंगे और मैं आपको इसको रेडी करके डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, हमारी दाल मखनी रेडी है। आप इसे सर्व कीजिए अचार के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, रोटी, चपाती। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।